गुलबर्गा शहर के नूरी पब्लिक स्कूल में 15 अगस्त के मौके पर फ्लैग हॉस्टिंग कर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। इस मौके पर कल्चरल और दीनी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। नूरी पब्लिक स्कूल में दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती है, जिससे स्टूडेंट्स की दुनिया और आखिरत बेहतर बनाई जा सके। इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम में स्कूल प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ अली कारीगर, सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल रईस और ट्रस्टी मोहम्मद मुख्तार अहमद, मोहम्मद अब्दुल रहमान और सैयद अजहर अली के अलावा दीगर मैनेजमेंट के जिम्मेदार प्रिंसिपल, टीचर्स और दीगर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मौजूद थे। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल ने प्रोग्राम की डिटेल बताते हुए कहा, नूरी पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट्स को दीनी और दुनियावी तालीम दी जा रही है और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर स्टूडेंट्स ने दीनी और कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और नूरी पब्लिक स्कूल की जानिब से SSLC स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर पास कर चुके हैं, इनको फेलिसिटेट कर अवार्ड दिया गया है। और प्रिंसिपल ने कहा, नूरी पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट्स की काबिलियत के हिसाब से फ्यूचर में टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर और दीगर फील्ड के हिसाब से काउंसिलर्स के जरिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट और JEE एग्जाम क्रैक करने में हेल्प की जा रही है। मजीद जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا The most affectionate taught the Quran to his beloved Now I'd like to call Khadija of 10th standard and Noshin of 7th standard to for Nadi Sharif Misalaya Kamalaya जो हिजरे तैबा में याद बन गए खयाल आया कमाल आया परेड बेशरम परेड दाबदार परेड सल्यूट पंजाब सिंध गुजरात एक रोज़।
आजाद होने का फल है। हमको आजादी तब मिली जिसके लिए मुजाहिदीन ने आजादी में अपने खून और अपने कुर्बानियों को इस मुल्क के लिए पेश किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब मुल्क की आजादी की बात होती है, उन लोगों के नाम तक नहीं लिए जाते जिन्होंने तसव्वुर आजादी किया। आज हम एक ऐसे बहादुर क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमारे भारत जैसे खूबसूरत देश को अपने भेड़ों से आजाद कराने में ना कि कई मुश्किलों का सामना किया बल्कि कई सारी कुर्बानियां भी दी। ये हिंदुस्तान के पहले मुजाहिद थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। ये सुनने के बाद सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 90,000 लोग जंग आजादी लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये ऐसे अजीब मुजाहिद थे जिनके कारनामों ने अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी और वो मजबूर हो गए इन्हें काला पानी जैसी खौफनाक सजा सुनाने के लिए। मैं बात कर रही हूँ अल्लामा फज़ल अफ़रावाली की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ मुकश्शफ कौसर, द हेड मिस्ट्रेस ऑफ नूरी पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह, टुडे वी हैव सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे इन अ ग्रैंड एंड सक्सेसफुल वे। सो आवर स्कूल स्टूडेंट्स हैज़ डिलीवर्ड स्पीचेस इन इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। And many more student has participated in the cultural activities. So, with the great enthusiasm and interest. And as well as today on this special occasion, we facilitate to our SSLC toppers 2022 and 2023 batch. Nuri Public School is not only focused on academics, that is studies, but they are also doing a good part in Islamic way. With the well-qualified staff and ulmas. Nuri Public School is bridging between Deen and Dunya. They are connecting all the peoples to focus on both world. So the success in the world and success in hereafter. Hamare school ke management members, students ko studies ke saath saath unki chupi hui salahiyaton ko ubharne ki bhi koshish mein jute rehte hain. स्टूडेंट्स को उनमें जो भी छुपा हुआ टैलेंट है, इफ़ द स्टूडेंट वॉन्ट टू बिकम टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, तो वो लोग स्टूडेंट्स की खास काउंसलिंग के लिए बाहर से एजुकेटर्स, काउंसलर्स को बुला के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करवाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि वो किस तरह से नीट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, किस तरह से JEE एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को किस तरह से क्रैक किया जाता है।